Welcome to Hoa Singam. Prasan bhai. ये बातें ये भाई दो नंबर एक नंबर पहुंचे हम लोग मिले हैं ना जाने क्या चल रहा है पर मैक्सिमम रशियंस मिलेंगे और प्रशांत भाई क्या बोल रहे थे भाई क्या बोल रहे थे ये रूम में आके एक्सेसरीज देख रहे हैं अच्छा इसको सेल कर दिया भाई कहाँ पे है हासिल दिल को मेरे ये है पता कि मीलों का ये फासला है अलग आसमां भी है तो क्या ये दिल ना माने ब्रेकिंग न्यूज अभी सूत्रों से पता चला है कि #खान का बर्थडे और ये है सेलिब्रेशन जा रहे नहीं तो दिल का मुसाफिर तो एक बार फिर तू हंस के जरा देख ले मेरी इन आँखों में मैं कैद कर तो आज मैं थोड़ा सा नंगा पुंगा बनकर जा रहा हूँ कभी कभी नंगा पुंगा बनकर जाना भी बहुत जरूरी होता है गाइस छोटी छोटी सी लगे ये कितनी बड़ी नहीं जानते ये क्या टोपी नहीं है टोपी नहीं है टोपी क्या टोपी कहाँ से बर्थडे बॉय यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया वो बर्थडे बॉय सौ बार शुक्रिया 100 बार शुक्रिया 1 बिलियन बार शुक्रिया तू जैसे चूतियों का सहारा है तू जैसे चूतियों का सहारा है तुम्हारे प्यार का है दोस्तों ये तुम्हारे प्यार एक अच्छी चीज तो ये है कि मुझे कभी ऐसा दोस्त जैसा फील ही नहीं हुआ है ऐसा लगता है कि मेरा बड़ा भाई है जो मुझे हर वक्त चिल्लाते रहता है हैशटैग ये कर हैशटैग तेरे को बोला था ना ये नहीं करना है हैशटैग तू चैनल कब चालू करेगा एक साल हो गया कोई चैनल की तूने मार दिया है अच्छी चीज बोलूंगी नहीं
किसके बारे में? गुप्तान भाई का एक लाइन में नहीं, पूरी दो साल की मेमोरी मैंने यहाँ पे दे दिया उनको दिखा दिया। हाँ गुप्तान भाई, तो गुप्तान भाई की सबसे अच्छी चीज क्या, वो बहुत सपोर्टिव है। सपोर्टिव के साथ साथ गुप्तान भाई एक चीज को लेकर बहुत सीरियस है, अपना कंटेंट और यूट्यूब। जहाँ तक मैंने आज तक काम किया हर जगह पैसा ये वो, लेकिन एक होता है ना इंसान का व्यवहार, जब उनका व्यवहार इतना अच्छा लगा ना कि मैं बोला कि अगर कभी पेमेंट नहीं मिलेगा तो भी मैं काम करूंगा, देख के बोलूंगा चलेगा। तो कंटेंट के साथ साथ यूट्यूब और उसके साथ मैंने सबसे पहले मैंने उंगली किया था गुप्तान भाई को कि भाई इंस्टाग्राम पे पोस्ट करो अपना ऑडियंस बढ़ा है ऐसा है वैसा है, और उंगली करने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि गुप्तान भाई हम लोगों को उंगली करते हैं। मेरे बर्थडे में नहीं आए थे तो मैं उनके बर्थडे में क्यों बोलूं, नहीं बोलेगा वो, बोलना ही नहीं। फ्रेंड के साथ काम करने की सबसे खास बात यह है कि मैं दूसरे का काम किया तो ऐसा लगा कि प्रोफेशनलिज्म है, मैं कुछ काम करने के लिए आया हूँ। लेकिन यहाँ पे हम लोग जब शूट स्टार्ट करते हैं तो ऐसा लगता है कुछ दोस्तों का ग्रुप है, मेरे को तो मालूम नहीं वो क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे इतना है फ्री है कि हम कुछ भी काम कर सकते हैं, कैसे भी काम कर सकते हैं, और दूसरे जगह पे यहाँ पे खड़े हो ये फोटो ले लो वो फोटो ले लो ऐसा ले लो। वो फ्रेंड की एक आदमी को बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, लाइक वो है ना कभी पीठ पीछे कुछ नहीं बोलते, जो भी है ना एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सामने सामने खत्म कर देते, सबके सामने भी नहीं मतलब कभी ऐसा इन पर्सन सामने सामने फेस टू फेस। हैप्पी बर्थडे गुफरान भाई, आप 100 साल जिए, आप बहुत सारी प्रोग्रेस करें। सबसे पहले तो गुफरान भाई बहुत ही अच्छे इंसान है, सेकेंडली बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो गुफरान भाई के बारे में मुझे अच्छा नहीं लगता हो। आप जो कर रहे हो वो बहुत अच्छा कर रहे हो और उसे ही कंटिन्यू करते रहो। ये मैं कुछ भी नहीं कहूंगी, कुछ भी नहीं। पर मैंने जहां पे आज तक फोटो निकाला है भाई, इतना अंधेरा क्यों है, लाइट क्यों है, कम क्यों है, और इधर सिर्फ एक ही चीज डार्क थीम, डार्क थीम, डार्क थीम, डार्क ही तो अपन खेल सकते हो भाई, उसी का शौक है ना अपने लोगों ने, डार्क अंधेरा। अच्छा इसीलिए जो लोग कैरेक्टर कम मिलते हैं जिन लोग डार्क होते हैं। हम लोग एक शेड्यूल बोर्ड है जो शेड्यूल हमारा कभी फॉलो नहीं होता है, जिसके पीछे हम लोगों की बहुत ज्यादा बहस होती है गुफरान भाई के साथ लेके। अगर तुम लोग क्लिप्स देखोगे तो ये चीज देखना कि गुफरान भाई के साथ हमारी हमेशा वो बोर्ड को लेके बहस होते थे। साढ़े तीन बजे से ठीक है, मतलब मैं भी आ गया, मेरा जिम में पढ़ा गया, ये भी आ गया अपनी क्लास में पढ़ा गया। इसको बोलो भाई मैं यहाँ पे मेरे इंटरव्यू है, तुमको काम किया था मंडे का जो चीज है वो ट्यूसडे पे एडजस्ट कौन बोलो, तुम छोड़ दो ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम लोग छोड़ दो वीडियो, मां कसम ये मेरी ही मिला है, मैं भी चिल्ला रहा हूं तुम लोगों के साथ ऐसा कर रहे हैं, वो सब मेरी ही है। मेरा प्रॉब्लम क्या हो रहा है हमारे दोस्तों कि अपन कंटेंट में कर रहा है, खड़े लोग करे भाई तेरे पास है ना 10 से 12 15 20 आइडियाज लेके बैठ गया, ठीक है, तेरा आइडिया हो सकता है खराब हो मगर उस आइडिया को अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, सुन ले अब कोई कुछ नहीं बोलना, मैं बोलूंगा और कोई भी नहीं बोलेगा, उनको बोलने का शौक उनसे कितना ही बुलवा लो, अपने को अच्छे बुरे तेरे काम पे कब फोकस करेगा, मुझे तेरे फ्यूचर की हमेशा से पड़े रहती है तेरा क्या होगा, तू ध्यान ऐसे ही करते रहेगा, तो चैनल भी बंद करके रखा एक साल से, और कई चीज में जैसे एक बोलते ना बड़ा भाई छोटे भाई की फिक्र करके बोलते हैं, सेम वैसा मुझे ट्रीट करते हैं। गुफरान भाई आज फोटोशूट लॉग करना है और फोटोशूट करना है, तो गुफरान भाई की एक ही चीज रहेगी सबसे ज्यादा, भाई मैं ऐसा मैं कैमरा फ्रेम में नहीं आ रहा नीचे मैंने भेजा नीचे तो गुफरान भाई की एक चीज रहेगी क्या भाई, मैं ऐसा पोस्ट नहीं दूंगा भाई, मैं ऐसा पोस्ट नहीं दूंगा। तो गुफरान भाई का सबसे अच्छी चीज क्या रहेगी पता है, म्यूजिक लगाओ और गुफरान भाई की म्यूजिक चालू होगी। एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देते हैं कि किसी को भी कोई प्रेशर नहीं रहे और कंटेंट का कंटेंट भी मिले। गुफरान भाई की अगर ऐसी बुराई तो नहीं लेकिन उनकी एक चीज सबसे वो है कि गुफरान भाई ने एप्पल की गुट्टी खाई है वो यही चीज को लेकर लड़ते रहेंगे क्या, एडोब ऐसा थोड़ी है, अब मैक आएगा तो बना नहीं सकता क्या, एडोब से अच्छा सॉफ्टवेयर बना सकता है, मैक मैक है, एप्पल एप्पल है, एडोब एडोब है, तो वो ये चीज उनकी बहुत लेके अलग ही चलते हैं कि मतलब किसी भी चीज को जैसे एप्पल है तो अगर उन्होंने बोल दिया एप्पल तो मतलब एप्पल ही रहेगा, उसके अलावा तुम किसी को भी ला दो वो किसी के सामने झुकने नहीं देंगे। भाई को एक आइडिया बताओ, मंडे को वो रिजेक्ट हो जाएगा फिर फ्राइडे को वापस डिस्कशन होगा और उसके बाद में वो वही आइडिया अपनी तरफ से बताएंगे और वो एक्सेप्ट हो जाएगा। हाँ कुछ बात रहती है जिसमें ऐसा लगता है कि मुझे मेरे को सही साबित करना अपने आप को, इसमें मैं गलत नहीं हुआ, मजाक से ऐसा छेड़ने के लिए मुझे बोल देते हैं
क्या भाई तुमने ऐसा किया ना, देख गलत है, तुमने ऐसा किया ना, मैं जो चिढ़ जाता हूँ ना वो चीज आदत गुफरान भाई अच्छी नहीं लगती, मुझे चिड़ दिला देते कभी कभी, लेकिन वो थोड़े वक्त के लिए अच्छा रहता है, बाद में फिर ठीक हो जाता है। बाजू में बैठना पड़ता था गाड़ी ऐसे चले इधर 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 इधर, फिर धीरे धीरे हाथ साफ किए तो फिर निकले हम लोग लगभग, तो वहां पर ये मोमेंट क्रिएट हुआ था गुफरान भाई एकदम परफेक्ट गाड़ी चला। म्यूजिक बजेगा तो और मजा आएगी। हैशटैग सेफ नहीं है भाई। बेस्ट मोमेंट तो चाहे किधर भी रहो, कोई भी ट्रिप पे जाओ, बस वहाँ पर अगर साउंड सिस्टम मिल गया, मंडोरी हो, मंडोरी का फार्म हाउस हो या गोवा हो या कहीं भी हो, तो एक ही गाना गुफरान भाई पता है तुमको, वक्त नहीं है तेरे साथ हो जाएंगे खत्म
गुफरान भाई फिर क्या बोलते हैं हो जाए या फिर एक बार फिर ये सामान परवेज भाई सामान लेके आओ।